और हम हल्के हल्के लेन कोड्स का हवाला देते हैं कि हमने इतनी रोड्स बनाई। अरे ये श्रेय तो पंचायत प्रतिनिधियों को जाता है। जिसने 2014 में नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे और दूसरा नारा दिया था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब मैं पूछ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूं कि कम से कम जो नारा दिया था उस पर दोबारा नारा दे दो तो बड़े शर्म आ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिए, 400 रुपए में कांग्रेस सरकार के इसमें सिलेंडर मिलता था। कि जड़ी घर आख जनानिया 1500 रुपया दो आती तो 3000 रुपया 3-4-5 पहाड़ गिनकर कर सकते थे, उतने मल्टीप्लाई कर लिया तो उतना ना कर सकते। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूं कि चुनाव वालों को सेवादार चाहिए या फिर कोई बड़ा ठहरेदार चाहिए। समय में हिमाचल की राजनीति में एक मुकाम हासिल करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी को हराने वाले प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र राणा जी का वमनचा सीन यहाँ के हमारे पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी, उपाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव दिलदार भाई, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष परवेज भाई, मदन रावत जी व मंच पर विराजमान ने उस वक्त जब मशीनीकरण बिल्कुल कतई नहीं था उस वक्त सड़कें उन्होंने पहुंचाई थी और हम हल्के हल्के लिंक रोड्स का हवाला देते हैं कि हमने इतनी रोड्स बनाई। अरे ये श्रेय तो पंचायत प्रतिनिधियों को जाता है। अगर पंचायत प्रतिनिधि अपना सहयोग नहीं देते तो ये लिंक रोड्स का बनना संभव था? कभी नहीं। और वो भी मनरेगा के तहत, और मनरेगा जो गारंटी एक्ट है जिसमें आम जन के गरीबों की रोजी रोटी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित की थी, उस गारंटी एक्ट में जो छोटे छोटे लिंक्स रोड लिंक्स इन्होंने बनाए उसका हवाला देकर ये वोट बटोरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आज चुरा की प्रबुद्ध जनता ये सब बातें समझती है। इसी तर्ज पर यहाँ पर बैठी नारी शक्ति से मैं एक आह्वान करना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए क्यों, इसके बारे में आज के हमारे
माननीय मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र राणा जी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। 18 ना लेकर 60 साल बीच जितनी बीज नानी घर में जाती तेनाने कांग्रेस सरकार सत्ता में ऐण रखने बाद 1500 रुपये सरकारी हर जनानी घर में देने ऐसी सम्मानजनक योजना कोई सरकार अगर ला सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है। मैं समझता हूं कि जड़ी घर आक जनानिया 1500 रुपया दो आती तो 3000 रुपया त्रा चौर पांच पहाड़ गिन करे कर सकते तो उतरे मल्टीप्लाई कर लिया तो उतरे ना कर सकते। बाकी कुछ आका छड़ा गल्ले बाड़िया बोलनी एडी बोलते बोलते दहाड़ लगन क्योंकि एडी देखो ज्वाइनिंग करे भीड़ थे चले बिल्कुल एकदम एडी रोकने पे के क्योंकि राणा जी की फ्लाइट कांगड़ा से है उसमें मुझे लगता थोड़ा लेट हो रहे हम तो ये कार्यक्रम हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हल्का सा जो एक विजन डॉक्यूमेंट थोड़ी थोड़ी मैं बातें करूं जो राजेंद्र राणा जी के नोटिस में मैं लाना चाहता हूं जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो इन इन बातों पर प्लीज़ वो भी ध्यान देंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो ये सारी मांगें हमारी पूरी होंगी। जैसे पावर प्रोजेक्ट को चुनाव में प्राथमिकता या विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हैं उनको भरना जितने भी घोटाले हैं उनकी हम जांच करवाएंगे। जेबीटी को यहाँ से पता चलता है कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ पे फैला। जब मैंने घोटालों की बात की तो एकदम आप सब जानते हैं आप सब जानते हैं जेबीटी को डिस्ट्रिक्ट कैडर करने का देखो एक बहुत छल हमारे युवाओं के साथ यहाँ पर किया गया है युवा शिक्षित वर्ग से किया गया है। पहले जेबीटी हमारा डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था। इसका फायदा हमें क्या होता था कि दूर दराज के गांव में जो जेबीटी करके बैठे थे डिस्ट्रिक्ट कैडर होने की वजह से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही उनके नौकरी होने की संभावना ज़्यादा थी। इन्होंने स्टेट कैडर कर दिया। स्टेट कैडर 2011 में भाजपा ने किया था। इसे हमारे पढ़े लिखे शिक्षित ट्रेंड युवाओं को क्या घाटा हुआ, घाटा ये हुआ कि जब जेबीटी सिलेक्शन हुई तो कभी कांगड़ा से कभी मंडी से कभी हमीरपुर से कभी शिमला से लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए। राजनीतिक दबावों के चलते 2-3 महीने 4 महीने यहाँ पर रहे और फिर अपने तबादले करा दिए और अपने गृह क्षेत्र में लौट गए। वो इससे हुआ क्या कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जेबीटी की पोस्ट थी वो सारी वेकेंट हो गई। तो ये भी मेरा आग्रह रहेगा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो इस जेबीटी के जो स्टेट कैडर को वापस डिस्ट्रिक्ट कैडर किया जाए। बागवानों से मार्केट कमेटी ये जो लूट वगैरह इन्होंने चलाई है इसको बंद करना। बाकी जो सब्जी मंडी कोल्ड स्टोर इत्यादि हिमगिरी के इलाके में कॉलेज और हिमगिरी नकरोड में उप तहसील खोले जाने की मैं अभी से वकालत करता हूँ। और तैनात हमारे क्षेत्र में तैनात पिछले कई वर्षों से एसपीओ सरकार की प्रताड़ना जो शिकार हो रहे हैं उनके लिए हम जैसे हमने ओपीएस की लड़ाई लड़ी है एसपीओ के लिए उसी तरह से हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। एग्रीकल्चर विभाग में सब्सिडी के नाम पर जो लूट मची है उस लूट को बंद कराने का हम आश्वासन आपको देते हैं। आज की इस चुनावी रैली में आपके चुनावों के चुनाव क्षेत्र के हीरो श्री यशवंत खन्ना जी लंबे समय तक आपकी सेवा करते रहे दो बार विधायक रहे सीनियर लीडर हमारे श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी हमारे प्रदेश के सचिव श्री दिलदार अली भट्ट जी श्री अश्विनी ठाकुर जी जो कि बीसीसी के प्रेजिडेंट हैं श्री भाग सिंह ठाकुर जी परवेज अली भट्ट जी श्री इंदर सिंह जी श्री जसाराम भारद्वाज जी श्री अकल बेग जी श्री राकेश कुमार जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी जो को ऑब्जर्वर हैं और चुनाव क्षेत्र के दूर दूर से आए सभी देवियों सजनों नौजवान साथियों सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं आपको सलाम करता हूं कि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ के
और जिस तरीके से आपने स्वागत किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लग रहा है कि इस बार जो मैंने जोश देखा है आपका, कुछ बदलाव के मूड में है। मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूं कि चुराव वालों को सेवादार चाहिए या फिर कोई बड़ा ठहरेदार चाहिए? हिमाचल प्रदेश की ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में पूरी तरह जो बादल है और लोगों का जो मन है वो इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए बिल्कुल व्याकुल बैठा हुआ है। जिसने 2014 में नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे और दूसरा नारा दिया था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब मैं पूछ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूं कि कम से कम जो नारा दिया था उस पर दोबारा नारा दे दो तो बड़े शर्म आ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिए, 400 रुपए में कांग्रेस सरकार के इसमें सरेंडर मिलता था, आज 1200 रुपया पहुंच गया, 300% रेट बढ़ गए। कड़वे तेल की बोतल 70 रुपए में मिलती थी, आज वो 220 रुपए में मिल रही है। 5 से 10 रुपए में नमक मिलता था, आज 40 रुपए में मिल रहा है। इन लोगों ने आम जनता की जेबों में डाका डाला है, लोगों का जीना मुश्किल किया है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सरिया का रेट देख लो, सीमेंट का रेट देख लो, दिहाड़ी 230-212 रुपए और सिलेंडर का रेट 1206। दिहाड़ियां लगाओ फिर एक सिलेंडर ले आओ। कर क्या रहे हैं? ये वो सरकार है जिसने पुलिस में भर्ती हुई 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया, पेपर बेच दिया, और जिन लोगों ने पैसे खरीद के पेपर खरीदा, पैसे देके वो जेल के अंदर गए, और जिन्होंने पैसा खाया वो सरकार उनको बचा के बार बार घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सीबीआई से इंक्वायरी कराएंगे, मामले को दबा दिया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मामला उठाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मूंगफलियां बांटते हैं उस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बांटी, एक यूनिवर्सिटी में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 20,000 करोड़ का घोटाला, 5 से 6 लाख डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां बेच दी। एक कैसी सरकार है? कोरोना काल में इनके कई लोग अंदर चले गए और कई को रिजाइन देना पड़ा, भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। और आप देखिए कि आज हिमाचल प्रदेश में जो फौज में लोग जाते थे उनके लिए फौज भी ठेके पर दे दिया, और तो छोड़ा। कर्मचारी इसलिए तंग है क्योंकि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें उनकी पेंशन बंद कर दी। महिलाएं इसलिए तंग है क्योंकि उनको रसोई चलाना मुश्किल हो गई, महंगाई ने कमर तोड़ दी। नौजवान इसलिए तंग है कि इनको जो नौकरियां मिलनी थी उनके हक छीन लिए, उनके साथ धोखा किया। और चुनाव में एमएलए भी यशवंत खन्ना बनने जा रहा है। पार्टी ने बड़ा सोच समझ के, लोगों की राय लेके, सर्वे करवा के यशवंत खन्ना को, जो कि सरकारी नौकरी में था, उसको वहां से नौकरी छुड़वा के आपकी सेवा के लिए तैयार किया है। इसलिए डट जाओ और सारे चुराव की जनता जो है, सारे चुराव की जो जनता है वो यशवंत खन्ना के साथ खड़ी हो जाओ। इसलिए मैं 2-4 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। चुनाव क्षेत्र में जब किसी व्यक्ति को आप एमएलए बनाते हैं, एमएलए उस क्षेत्र की जनता का दुख तकलीफ का, विकास का,
विधानसभा के अंदर समस्या उठाने का सबसे बड़ा वकील विधायक होता है, एमएलए होता है। यहाँ की खबरें कुछ बड़ी चर्चा में रहती हैं, चुरा तो वैसे चर्चा में रहता है, वीडियो जारी होती हैं। मुझे लगता है मेरे चुनाव क्षेत्र में जाके देखो, वहां एक बच्चा भी अगर मेरी गाड़ी को हाथ दे तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। मैं एक एनजीओ चलाता हूं, 6600 जरूरतमंद बेटियों की शादियों में योगदान दे चुका हूं। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा महिला मंडल नहीं है, 7 दफा उनको जरूरत का सम्मान देके मैं सम्मानित कर चुका हूं। इसलिए आपका जो कैंडिडेट है और 8 दिसंबर को होने वाला आपका विधायक है, इसको पार्टी चुनकर लाई है। आप सब इकट्ठे हो जाओ, सुरेंद्र भारद्वाज जी ने भी आशीर्वाद दिया है, और जिस तरीके से सुरेंद्र भारद्वाज जी ने बड़ा दिल दिखा के इनको आशीर्वाद दिया है, मैं पार्टी से सिफारिश करूंगा कि जब सरकार बने तो सुरेंद्र भारद्वाज जी का भी मान सम्मान किया जाए। आज के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र राणा जी, श्री अशोक खन्ना जी जो उनके प्रत्याशी हैं, और सम्मानित मंच, मैं समय की कमी के कारण आपसे एक प्रार्थना करूंगा, ज्यादा भाषण करने का आज समय नहीं है कि आप जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।